प्रियंका गांधी ने दिल्ली में अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान राजीव वाड्रा के साथ वोट डाला। रेहान राजीव वाड्रा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डाला है। इन लोगों ने लोधी स्टेट के बूथ नंबर 114 और 116 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहली बार वोट डालने के बाद रेहान राजीव वाड्रा ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शिरकत करना अच्छा अनुभव था। सभी लोगों को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। आर वाड्रा ने कहा कि मुझे लगता है कि सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलनी चाहिए और छात्रों के लिए इसमें सब्सिडी होनी चाहिए। मतदान करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रेहान ने कहा कि मैं अपने शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की सोच के साथ वोटिंग कर रहा हूं। दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी समस्या है, इसका हल होना चाहिए। साथ ही महिला सुरक्षा पर भी काम किया जाना चाहिए। पहली बार वोट देने के बाद प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेकर अच्छा लगा। हर किसी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर किसी को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलनी चाहिए और शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।